के बारे में कुछ अर्थ करने की कोशिश करूंगा। कसम के बारे में मुस्तफा बाप सारे मौसम ने इस किताब में प्रतीत दिया है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा चीजी के बारे में अर्थ करने के बाद कसम से आप सामने प्रकाशित करूं। टीवी जिसे तब देख वासिल उसके मतलब तब बुखार और देख ऐसा बुखार जो मुश्किल रहने वाला है और मरीज को वो अपनी तपश और मुश्किल होने की वजह से इतना कमजोर और गरीब और दबी कर देता है कि उसे तब को दिल कहना पड़ता है, और सिल ऐसे जख्म को कहते हैं जो तीर ज़दा हो जाता है। तब देख बस दे और इसकी अलामत भी मैंने आपके सामने कुछ गुजारिशात की थी कि जब जिस्म में हरारत की कमी हो जाती है तो सबसे पहले इसका असर हाजम पर पड़ता है, जब गुजार हजम नहीं होती तो तपन पैदा होता है, तपन से मैदा और हवा में तरजीह पैदा होगी, गैस पैदा होगी, नजला जुकाम का आदा हो सकता है, और जब गुजा हजम नहीं होगी खून की मकदार में कमी होगी कमजोरी होगी, और जब खून की मकदार में कमी कमजोरी होगी तो रतूबत भी कम बनेगी, रतूबत की कमी की वजह से जिस्म में सोजश पैदा होगी, और यह सोजश ज्यादातर मेदा अमाश में यानी फेफड़ों में हो सकती है। अगर इस मौका पर मरीज अपना ध्यान कर ले और अपनी गुजा को ठीक कर ले और जो गैर हजम शुदा गुजा की वजह से अंदर तापन हुआ है उसको खत्म करने की कोशिश करें तो यहाँ बड़ी आसानी से वो अपने आप को तंदुरुस्ती की तरफ लौटा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारा जो रवाज है हम शकल की कोई गोली क्या लेते पाँच वो लेकर सहारा लेते हैं और काम में चले गए, तो क्या होता है ये सोजश जो रतूबत की कमी की वजह से है तो रतूबत में मजीद कमी की वजह से वो सोजश इंतहाब हो जाती है, और जब इंतहाब हो सोजश पहुंचती है तो फिर दर्जा हरारत की कमी जो हरारत गरीजा की कमी है उसकी कमी को पूरा करने के लिए आधी हरारत जिसे हरारत गरीबा कहते हैं वो उसको पूरा करने के लिए जिस्म में हाजिर हो जाती है। जाहिर में तो वो एक नुकसान दे चीज है लेकिन उस वक्त वो मरीज के लिए एक नेमत है कि अगर वो पैदा ना होती तो शायद ये बाकी ना बचती, लेकिन चूंकि वो एक गैर फितरी चीज है फितरती हरारत बनाते मरीज है कि गरीबा हरारत आ गई उसकी जगह पर गैर फितरी तौर पर तो फिर ये जिस्म में तहलील पैदा करेगी, तहलील पैदा करने से सोजश पैदा होने से मजीद ये होगा कि उसका जो दबाव है खून का वो बढ़ जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगी और जिस्म में थकावट मजीद बढ़ जाएगी, घबराहट पैदा होगी, ये टीबी का पहला लक्षण है। अब ये थकन जिस्म में दर्द की सूरत अख्तियार कर दे, भूख की जो कमी थी अब भूख बंद हो गई है, रतूबात में मजीद कमी की वजह से सोजश के इंतहाब पहुंचती है कि जिस्म में तहरीर बहुत ज्यादा हो गई और बुखार इतना ज्यादा हो गया कि पसीने आने शुरू हो गए और दबाव का इस वक्त इस कदर इजाफा हो गया कि कैपिलरी जो है वो फट गई है, मरीज खून थूकना शुरू कर देता है, कमजोरी इंतहाब पहुंच जाती है, ये दूसरा दर्जा है टीबी का, और ये पहले और दूसरे दर्जे तक ये मर्द उजलात में ही रहता है। अगर यहां पर
बेहतर तदाबीर अख्तियार कर ली जाए तो ये मर्ज जल्द ही ठीक हो सकता है। लेकिन होता यह है कि हम अड़के चढ़ देते हैं उन लोगों के जिनको यही पता कि इलाज मरीज का करना है कि मर्ज का करना है। ये कहने को तो छोटी सी बात है कि इलाज मरीज का होगा कि मर्ज का होगा, सारे यही समझते हैं कि इलाज तो मर्ज का ही होता है, बुखार हो गया तो हाथ क्यों काटना चाहिए। लेकिन सावर साहब कहते हैं कि इलाज मर्ज का नहीं होता, मरीज का होता है। तीसरा दर्जे की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये पी पड़ जाती है जिसे सेल कहते हैं, और पी गहरे जख्म होने की वजह से इंतहा को पहुंच जाती है और ये पी अब खून में दौरा करना शुरू कर देती है और ये इंतहाई दर्जा है, तीसरा दर्जा है टीबी का, और अक्सर ये दर्जा मौत की आगोश में ले लेता है। सागर साहब इन तीनों दर्जों का इलाज पेश करते हैं और ये दावे से कहते हैं कि मेरा पेश करता ये इलाज अगर मरीज को फायदा ना दे तो मुझे जरूर बताना और ये हो ही नहीं सकता, और इस पर इनाम का भी उन्होंने चैलेंज के साथ ये नुस्खा पेश किया और इनाम का भी इलाज किया। इलाज में उस्ताद साहब ये बताते हैं कि तीन चीजों का आपने ख्याल रखना है, एक तो हरारत और रतूबत मरीज में पैदा करनी है, सोजश और रोहन का इलाज करना कब्ज नहीं होने देना, ये तीन चीजें जैसे गौर रखनी है मरीज टीबी का हो उसका इलाज करनी है। मैं आपके सामने कर रहा था कि ये जो इलाज में जैसे गौर अस्पतालों में किया जा रहा है कि मर्ज का इलाज किया जा रहा है, अगर उसमें बुखार आए तो उतार दे, आप ही देखते होंगे आज बहुत ज्यादा हाल है उसमें ना है बर्फ की पट्टियां कर, हालांकि ये हरारत उसको बचाने के लिए आ रही है, फिर कहते हैं पता नहीं तशद्दद क्यों झटके पता नहीं क्यों लग रहा बुखार से उतर गया, और बुखार उतार नहीं था, बुखार की वजह को देखे आप कहते हैं मरीज का इलाज करें उसका जो उसका खराब हो गया जिसकी वजह से ये बुखार हुआ है उसकी तरफ आप तो जुम रहे हो, उसकी तहरीक है तो उसको आप तहरीक या तस्कीन में लाए उसको देखें, अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज कम ये तो करेंगे तो फितरतन जो इलाज फितरत कर रही है उसका इजाफा कर दे, वहां पर ठंडी अद्वियात इस्तेमाल करना इंतहाई ज्यादा मरीज के लिए खतरनाक होता है। उस्ताद कहते हैं कि उसको गर्म अद्वियात और घी वगैरह का इस्तेमाल करवाएं, रतूबत और हरारत दे, और दूसरा सोजश बगैर हरारत के सोजश जा नहीं सकता, अगर हरारत और रतूबत कायम कर देंगे तो बदन और सोजश खत्म हो जाए, और यही दो चीजें हरारत और रतूबत कब्ज को भी खत्म करने वाली है। तफसील से मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके सामने पेश कर दिया था, यहाँ पर सिर्फ इसको तर्जी देना में हम सकता था कि मजमून को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके बाद उस्ताद मोहतरम थकन की बात करते हैं, पूरा मजमून इस पर लिखते हैं। थकन क्या चीज है? थकन जिस्म का बोझल हो जाना, बदन में हल्का हल्का दर्द और बेचैनी महसूस करना, ये थकन की सूरत हाल है। ये क्यों पैदा होती है, कैसे जाती है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए ये मुश्किल हो जाए तो कौन से हालात पैदा हो सकते हैं, इसके मतलब कम लोग जानते हैं, बल्कि थकन को तो लाइट ही लेकर इसको मुश्किल कर दिया जाता है, और बाद लोग तो ये समझते हैं शायद ज्यादा काम करने से थकन हो जाती है, तो साथ फरमाते हैं किसी भी काम को उसके इतदाद से बढ़कर किसी भी काम को उसके इतदाद से बढ़कर अगर अंजाम दिया जाएगा तो थकन होगी, चाहे आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा सोने से भी थकन हो जाती है, ज्यादा आराम करने से भी थकन हो जाती है, अगर ज्यादा काम करने से थकन हो जाती है, ज्यादा वर्जिश करने से थकन हो जाती है, तो एसी में लेटे रहने से भी थकन हो जाती है, पंखे के नीचे लेटे रहने से भी थकन हो जाती है,
ज्यादा खाने से भी हो जाती है थकन, बगैर जरूरत खा लिया, भूख नहीं थी खा लिया, अच्छी गुजार दोस्त ने कहा खा रहे थकन हो गई, हमने कोई महसूस नहीं किया। मैंने इस पर बारहा तजर्बा किया है कि जो लोग कहते हैं कि थकन नहीं जा रही, मुझके लिए कमर दर्द ये ऐसे है जिसम जैसे टूटा हो, तो पहले तो मैं उसे हंसी मजाक में कहता मैं ऐसी पीला ठीक हो, उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए कि वो थोड़ा सा अपने आप को मेरी तरफ ना तो जो अल्फी पीला है तो उनका जो हमें जिसम को बुलाया मजाक कर रही वो महारा बना है जिसम को बुलाया है, वो मैं मजाक में किसी के अटेंशन हासिल करने के लिए थोड़ा सा होता है ना जी बात करने के लिए, वो कहता है कि कीमता बाप कैसी बात, मैंने मैं कहता हूँ कि अगर मैंने बात की तो आपने मान ली नहीं, वो कहता कहें तो सही, मैंने कहा मैं कहता हूँ चलती के देखो फिर उठा भूख लगाओ और तेरे जिसम में तपन हो गया है जिसका इजहार थकन की सूरत में हो रहा है उसको खत्म कर दो जब तक वैसी भूख नहीं लग जाती जैसे रोजे की हालत में लगती है, तब तक खाना ना खाओगे थकन नहीं तो मुझे जरूर बता, क्योंकि मेरा खुद का यह तजर्बा है। हम शादी ब्याह में जाते हैं ना जी, तो भुखमार आदमी मेरे जैसे भी इसमें शामिल ही होते, गोश्त भी खा लिया खीर भी खा लिया मीठे चावल भी चलो भी लाया, हम जानते भूलते भी ऐसी गदाएं खा लेते हैं, मछली यार वो भी खा लो, अच्छा खीर पकी है वो भी आती है इसलिए खा भी लो, मुर्गा खा लिया दही भी खा लो, रायता अच्छा है वो भी खा ही लाते चंगे अच्छी खा रही है भी थकन हो भाई, आपने जो बदाम खाई है वो एक दूसरे के असर को अंदर जाके लड़ रही है, वो जंग कर रही है, तू ये लगी ला रही मैं तू आ गई, अब इसका इलाज भी यही है जब तक दोबारा इंतहाई भूख नहीं लगनी तब तक ना खाए। और मेरे भाई जरासीम को मारने के लिए इंतहाई ज्यादा ये काटा मची है, ये जो एंटीबायोटिक बायोटिक क्या होता है जानवर को कहते हैं ना, सब जानते हैं बायोलॉजी जानवर में लेंगे तो बायोटिक यानी जानवर एंटी करना यानी जहर ऐसा था जो अंदर से जानवर ना मानते भाई ये इंसान भी तो जानवर ही है, इस पर जहर असर नहीं करेगा, वो छोटे जानवरों को जो आप खिला रहे हैं जहर उन पर असर कर दिया है हमारे जन्म पर भी असर कर दिया जहर जी नहीं, वो हमें भी अफेक्ट करेगा और उतना ही करेगा जितना वो एंटीबायोटिक वाला एंटीबायोटिक को करता है उतना ही असर हम पर भी होगा, तो ये थकन होगी और बेहतरीन इलाज इसका यही है कि आप अपने मरीज को अगर किसी को भी ऐसा ऐसी सूरत हाल का सामना है तो उसे कहें कि भाई रोजा रखे 12 घंटे का नहीं 24 घंटे का, और बार बार मैंने अल्लाह हमारे उस्ताद अब्दुल हकीम साहब को जन्नत में फिरदौस में जगह अता फरमाई, मैं नाम ही ना रोटी खाने देते, एक मरीज आया वो किसी मस्जिद में कोई खिदमत अदा करने थे, पहले हफ्ते मैं उनके पास ही बैठा टीचर हूँ तो छुट्टी वाले दिन ही तो आगे रोजे जाता था उनके पास, पहले हफ्ते आया हाँ जी क्या हाल है, वो फिर कोई भी लगी नहीं बस ये कावे पीना है, दूसरे हफ्ते फिर कावा तीसरे हफ्ते फिर कावा, और फिर उसे पूछते हैं ये कावा पीने से तेरी तबीयत में कोई कमजोरी आई है या वो बेहतरी है, है अरे बेहतर है पर हूँ वो खा रहा हूँ जो है उस्ताद कहते हैं जब तक अंदर का तापमान खत्म नहीं होगा खाने को कुछ नहीं देना, खा तो तुमने बहुत ज्यादा लिए इतना ज्यादा खा लिया कि अब तेरे खून में भी तापमान है, जब तक वो तापमान खत्म नहीं होगा और मैं आपको ये बता दूं साहब साहब क्या जी कह रहे हैं कि जब तक तापमान खत्म ना हो आप सी पर के तैयार दे दे दो असर नहीं करे, पहले आपने उस तापमान को ही खत्म करना, तो तापमान को खत्म करने का बेहतरीन तरीका ये भूख है, उसे भूख लगाए, मुझे फिक्र याद है उस्ताद मोहतरम का अब्दुल हकीम साहब का
मैं फिर पता नहीं वो मुनासिब है कि नहीं, वैसे वो ऐसे फरमाते थे और अपने को खिला लो थे भी ला दें ऐसा हो बात हत्या था। हम इसमें जाने के लिए कहते हैं कि भूख लगाए ताकत खुद जाग जाएगी, बहुत ज्यादा खाने पीने से नहीं ताकत आती, अगर बहुत ज्यादा खाने पीने से ताकतें आती ना तो वो जो हमारे साथ है एक खजूर से 24 घंटे निकालने वाले और तलवार बाजी करने वाले, हम तो लेते रहते तो सारी दिहाड़ी टीवी लेके बहना वी फिल्म तो वो खजूर खा के पूरा दिन जिहाद में गुजारना और होता ना भी थे बीमार भी नहीं होते थे और केलरी का तो हम अब हमें पता चला इसमें 250 है जो पूरे दिन की गुजार को पूरा कर दिया, उन्होंने तजर्बा करके देख लिया था ये जो खजूर है ना 24 घंटे के लिए काफी है और हम 6 खजूरों से खाने के बाद इसलिए खा लेते हैं और मीठी खाने के बाद खा जाते सोचते नहीं कि इसमें गुजार कितनी है और ये मेरे लिए कितनी खास हो गया। इसलिए गुजार का हार तो होता थकन में इसका बड़ा तल्लक है। उस्ताद फरमाते हैं कि थकन से थकन की 3 किस्में बताती हैं, बताइए एहसासी थकन, मादी थकन, एहसासी थकन और मादी थकन और हकीकी थकन, ये 3 किस्म की थकन के मुताबिक उन्होंने बयान फरमाया। एहसासी थकन क्या है, जो आपके मुख्तलिफ जज्बात या एहसास या कैफियात हैं उनकी वजह से जो थकन होती है, मसलन गम गुस्सा दुख शर्मिंदगी नदामत या कैफियात में सर्दी कमी उसकी तरी, इनकी वजह से अगर इनकी कमी या ज्यादा सी अगर थकन हो रही है तो वो एहसास ही थकन है और इसका तल्लक उस्ताद कहते हैं कि दिमाग दिमाग से है, दिमाग के अखबार में कमी पेशी है। इस बात पर गौर कर लीजिए, मैंने कमी बेशी दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ कमी या बेशी नहीं कहा। और हकीकी थकन के मतलब उस्ताद आपको फरमाते हैं कि हकीकी थकन ये ज्यादातर इतदार से ज्यादा हरकत करना, ज्यादा वर्जन करना, ज्यादा सोते रहना, ज्यादा दिमागी काम करना, ज्यादा वेले बैठ रहना, एसी में बैठे रहना, धूप में जाना, जरूरत से ज्यादा पैदल चल लेना, कहते हैं ना एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड, ज्यादती कर लेना, ये हरकत ही थकन है। और इसका ताल्लुक कल्बुल राज से है, अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो दिल के फेल की कमी बेशी को मद्देनजर रखे और उसको ठीक कर ये थकन ठीक हो। और तीसरी किस्म की थकन जो है वो मादी थकन है और मादी थकन ज्यादातर गजा की बेतदारी से होती है, ज्यादा खा लेना, भूख के बगैर खा लेना, खाए पर फिर खा लेना, ज्यादा ताकत वाली चीजें खाते रहना, एक जैसी चीजें खाते रहना और मुख्तलिफ मिजाज की चीजों को इकट्ठे खा लेना, जैसे मछली और दूध और मुर्गी और शहद इस तरह की, तो ऐसी गजाएं खाने से जो थकन पैदा होगी वो मादी थकन हो। और इसका तल्लक जिगर मेदा और अमा से है, लबलवा से है। अगर ऐसी थकन को दूर करना है तो सबसे बेहतर यह है कि आप अपनी गुजा को खास तौर पर दुरुस्त करें, एक तो बगैर खाए, एक तो बगैर भूखे खाना नहीं, दूसरा जिस चीज की जरूरत है वो खाए। अति बार आप बैठे हैं फल अनाज और ये सब्जियां, इनके हजम करने के मुख्तलिफ औकात हैं। अक्सर लोग जानते हैं कि कौन सी चीज जल्दी हजम हो जाने वाली,
भूख की अलामत में ये लिखा है कि जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि दिल करेगा कि थोड़ा ही खा और जिस समय चुनती आए तो बच जाए, अलामत पैदा हो, मरने वाला ना हो जाए, भूख लग गया हाथ पर काम काम रहे तो समझे ये भूख वो असल भूख नहीं है। अब इसको खाली बनाए, इसको अनाज ना खिलाएं, इसको सब्जियों को शोभा पिला दें, इसको इस तरह की चीज खिला दें जो अंदर जमीर काम पैदा करे। अभी इसके अंदर जमीर आया तो इस तरह की उसको गुजार दिला, इस तरह की गुजार दिलाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी ये प्रॉब्लम भी दूर होगी। अब मुझे अजाना भी आवाज भी आ दिया है मुझसे करने को। अब इन जो बीमारियां हैं थकन है अगर इसका ख्याल ना किया जाए तो इनसे कुछ बीमारियों का भी इलाज होना जरूरी होता है तो वो मैं उनका जिक्र करने लगा हूँ। अगर एहसासी थकन है इसका ख्याल ना किया जाए इसका दवा का इलाज ना किया जाए तो इससे जो मनाज होंगे वो सर दर्द नजला जुकाम बुखार सरसाम सर से चढ़ाना सारा और जिसम में खिंचावट और दर्द जोर दर्द जिसम ये चीजें पैदा हो सकती हैं। और अगर हर कभी थकन का अगर ख्याल ना किया तो जिसम में दर्द बुखार कैफ इसहार पेचश कब्ज बवासीर मलेरिया वहां का बुखार नजला बंद नापा खुश्क होना खुश्की और खाना और पेशाब में खून का आना ये हर गति कटन से हमारा पैदा हो सकते हैं और मादी कटन से